सही कहा गया है कि जब तक इंसान की इंसानियत सोती रहेगी तब तक जानवरों की कई प्रजातियां विलुप्त होती रहेगी। आज जब हम पर्यावरण संरक्षण और विलुप्त प्रजातियों की देखरेख की बात बड़े ही साहसपूर्ण लहजे में कहते हैं तो हमें सावधान होने की जरूरत है। दरअसल हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हमारे अपने राज्य के एक जिले में दुर्लभ वन्य जीवों की तस्करी हो रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बिहार के कैमूर जिले की, जहाँ पहाड़ी के जंगलों में जानवरों की बड़े पैमाने पर तस्करी का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि आज से 10 दिन पहले इलाके में भारी मात्रा में जंगली जानवरों के साथ जानवरों का खाल बरामद हुआ था, जिसमें तेंदुआ का खाल, भालू के बाल, कस्तूरी हिरण, जंगली सुअर के दांत, कछुआ, पेंगोलिन के खाल सहित दो मुहा सांप भी शामिल था। इस मामले में जिले के पुलिस अधीक्षक दिलनवाज अहमद ने बताया कि आज अधौरा थाना के बड़वान कला गांव में तेंदुए का खाल बरामद किया गया है। अधौरा थाना क्षेत्र से वन्य जीव जो है उनकी तस्करी करने वाला एक पूरा गिरोह पकड़ा गया था। उसमें एक व्हाट्सएप पर एक लेपर्ड का फोटो था एक अपराधी के पास, उसकी बरामदगी हुई है बरवान कला गांव से। साथ ही पेंगुलिन के स्कल पकड़े गए थे जिसका कि मुख्य अभियुक्त फरार था, उसकी भी गिरफ्तारी हुई है। दिए थे आप? हमको सुमंत एक लड़का है वही मांगा था जो अभी अरेस्ट करके अंदर है। क्या बोला आपसे? वो बोला कि एक ठो बजर कीट होता है जंगली जानवर, उसका एक उसका ऊपर का खोपड़ी होता है छाल बोला, वो आप उपलब्ध कहीं से कीजिएगा तो आपको 1 किलो पर 1,000 रुपया हम देंगे। आज इसका सामान है वो अपना, उससे हम बात कर लेंगे, उसको पैसा अलग से देंगे। वही जिले के SP का यह भी कहना है कि लगातार बढ़ रहे तस्करी की घटनाओं से वन विभाग पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं, क्योंकि पहाड़ी जंगलों में वन विभाग के द्वारा सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए, इसके बावजूद भी जंगली जानवरों की तस्करी हो रही है। फिलहाल एक बात तो स्पष्ट है कि चाहे लापरवाही वन विभाग की हो या जिले की पुलिस की, इसका खामियाजा बेजुबान जानवरों को भुगतना पड़ रहा है। और यही नहीं, अगर आज इन बेजुबान जानवरों पर जीवन का खतरा मंडरा रहा है तो इसका प्रभाव निकट भविष्य में हम लोगों पर भी काफी खतरनाक ढंग से पड़ने वाला है। तो ऐसे में जरूरत है कि तस्करों के खिलाफ जल्द से जल्द प्रशासन द्वारा एक्शन लिया जाए, ताकि ऐसे अपराधों में शामिल लोगों में कानून का भय पैदा हो सके।